सरकारें गरीबों को मदद के तौर पर 5 माह का मुफ्त राशन बांटने का फरमान जारी कर कितनी ही वाहवाही लूट ले, परंतु गांव में रहने वाले गरीबों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। विदिशा जिले के ग्यारसपुर क्षेत्र में हालात यह है कि लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण तो नहीं पीड़ित कर सका, परंतु लॉकडाउन में अफसरों की सख्ती ने जरूर बेबस और लाचार कर दिया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते करते संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से गांव में गरीब मजदूरों की स्थिति किस तरह असहज बनी हुई है, इस सबसे बेखबर अफसर एग्री यंग मैन बनकर सड़कों पर जनता और हाथ ठेला लगाकर रोजगार करने वालों पर डंडा मारकर सुधारना चाहते हैं। स्थिति ऐसी हो रही है कि गांव के कुछ परिवारों को खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो बेमौसम की आंधी बारिश में उनके कच्चे आशियानों से छप्पर ही उड़ गया है। अब न तो घर से निकलकर पन्नी खरीदने को नकदी रुपए हैं और न ही उधार लेने बाजार खुले हैं। कुछ परिवारों को प्रशासन द्वारा उचित मूल्य की राशन दुकानों से बांटा गया राशन प्राप्त तो हो रहा, परंतु गेहूं चावल के अलावा भी रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं, जिनकी पूर्ति घर से निकलकर या नकदी रुपए से ही की जा सकती है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।